मीका पाजी, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी राहत भरी सांस लें, वहां जाएं आप थोड़ी देर के लिए। अब सिर्फ सोहेल भाई की बारी है। सोहेल भाई, आप सुबह से शाम तक क्या क्या करते हैं? नहीं, ये मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, हमें पता है आप क्या क्या करते हैं, और यही चीज लेकर यहां पर आ रहे हैं भारती, प्रीतम और करण। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। सलमान खान का भाई और पहले बार आई, खैर मीका जी, हरबा मीका जी आए, हमारी लड़की भी कह रही है हरबा कितों पर जा। खैर मीका पाजी, मुझे पता है मैं हॉट लग रही हूँ, क्योंकि आप काफी देर से मेरा गोटा देख रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि इतनी हॉट एंड सेक्सी क्यों लग रही हूँ मैं, क्योंकि मैं बनी हूँ सोहेल खान की पर्सनल सेक्रेटरी। और देखिए ना सर, कब से सो रहे हैं सर? अबे ओ सोहेल, सर सर उठिए ना प्लीज। सर आप क्या कर रहे हैं सर, आपको उठ के फिर से सोना भी है? अबे ओ सोहेल, सोहेल सर उठिए वरना पगार काट लूंगी। हेलो सर। हेलो, चाय मेरे भाई? चाय? चाय? ना ना सर, 12 बज गए, वो तो 9 से 11 आपका बेचने का टाइम था, आज की दिहाड़ी गई। बकवास मत करो, मेरा शेड्यूल बताओ। सर बहुत ज्यादा टाइट है, पता मैं जब लिख रही थी ना, मुझे कैसे कर पाएंगे सर, मैंने पर पूरा लाइनअप किया है सर। देखिए सर, 12 बजे उठे है ना, 12 से 2 आपको जरूरी काम से सोना है। हाँ सर, और 2 से 4 वो तो आपको अर्जेंट काम के लिए सोने जाना है। हाँ सर, लेकिन 6 बजे के बाद आप जिम हो, जिम में मेहनत से आपको सोना है। लेकिन फिर जिम के बाद आराम से थक हार के घर जाके तो आपको सोना ही है। बहुत बकवास कर रही हो तुम मेरे भाई। अच्छा एनीवे साहब, भूख लग रही है, नाश्ते के लिए बाहर चलें? नहीं सर, इस बार आप चुराओगे। हाँ हर बार मैं नहीं चुराऊंगी, पता कैसे आदमी पसलियों पे मुक्के मारते, अभी भी दर्द हो रही है। देखो सेक्रेटरी मेरे भाई, बहुत बकवास कर रही हो तुम, काम की बात करो चलो। काम सर, काम बहुत ज्यादा आया सर, एक मिनट सर, काम से पहले इन सब में से मुझे चूज करना है ना क्या पहनना है? नहीं सर, पहनना तो झाड़ के आपको यही है, ये धोने। काम की बात करें सर। काम सर, आज ना एक प्रेस रिपोर्टर आने वाला आपका इंटरव्यू लेने। सर कैमरा चल रहा, यहाँ तो रिएक्शन सही दे दो। लेकिन सर मैं सच में आपकी फैन हूँ यार। ए हा हा, क्या सर, एक बार बात इतनी बेइज्जती वाली नहीं होती, ये लोग हंस के खराब कर देते हैं। क्यों क्यों हंसा, करता है काम है, क्यों हंसा तू पागल? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई इंसल्ट वाली बात ही नहीं थी, पागल का ही कहा। बकवास मत करो, काम की बात करो चलो। नहीं सर, आपकी तारीफ की बात बता रहा हूँ सर, बहुत अच्छे है। पता है कल एक छोटे बच्चे ने इनके साथ फोटो ली, सेल्फी आए हाय, सारा दिन अकड़ में ऐसे घूम रहे थे। लेकिन सर ये क्या मतलब हुआ, खुद का बेटा सेल्फी लो तो किस बात की अकड़? देखो मेरे भाई, तुम मेरी बहुत बेइज्जती कर रही हो, काम की बात करो, बुलाओ जिसको भी मेरा इंटरव्यू लेना है। अभी बुलाती हूँ बदबू, आइए भाई साहब। ये सोहेल खान की तरह क्यों चल रहा है? वो क्या है कि मैं सोहेल सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरा बजट नहीं है ना, सोहेल सर यहाँ पे एप्पल लगाते हैं, मैंने 2 नींबू लगाए हुए हैं। एक मिनट, थैंक गॉड इसका नींबू का बजट है, अगर अनारदाने का बजट होता हमें पता नहीं चलता किसका फैन है। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, प्लीज सर ऑटोग्राफ सर बनता है सर। ए, का ऑटोग्राफ, पर्सनल पीए हूं मैं, मेरे से पूछ भाई का हाथ थक गया कल ऑटोग्राफ देते देते, पता? कल लड़कियों को ऑटोग्राफ दे रहे थे और लिख रहे थे विद लव सलमान खान। लिखा मैं, कहा सर आप भाई को ऑटोग्राफ क्यों दे रहे हो, अपना दो ना। कहते मेरा चलता है, मैं दे सकता हूँ, मेरा लेंगे पक्का, मारेंगे तो नहीं। What? लेकिन मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने इनका ऑटोग्राफ लिया हुआ है। अच्छा फिर क्या किया? फिर क्या, बाहर जाके फाड़ दिया। मतलब फाड़ दिया, गीला हो गया था, बारिश आ रही थी ना, मैं तो गुदवाऊंगी सोहेलिया। चलो ऑटोग्राफ रहने देते हैं,
एक काम करते हैं सर, आपकी फिल्म का डायलॉग हो जाए सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, प्लीज सर। सर एक मिनट, अपनी हिट हिट कोई भी सुना। मैं भाई एक बात जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो ये तो सलमान खान की फिल्म का डायलॉग है। तो मुझे अपनी फिल्म का खुद डायलॉग नहीं याद, लोगों को कैसे याद होगा। मैं डांस की डांस कर सकता हूं सर, मैं आपका डांस का बहुत बड़ा फैन हूं सर, सर एक बार डांस हो जाए सर प्लीज सर। म्यूजिक मेरे भाई। सर 13 साल हो गए चिल करते करते, थोड़ा काम कर ले। सर आप एक डायरेक्टर हैं, एक प्रोड्यूसर हैं, एक एक्टर हैं, तीन तीन काम एक साथ कैसे खराब कर लेते हैं सर। हेलो रिपोर्टर मेरे भाई, तुमने शायद मेरी फिल्म जय हो नहीं देखी। मैं बात करती हूँ सर इससे। चिरकुंडे तूने जय हो नहीं देखी सर की? क्या बात है, क्या फिल्म थी सर। आपको पता जय हो में एक ऐसा सीन था ना जिसपे ऑडियंस को बहुत मजा आया। कौन सा? जब एग्जिट डोर खुला। मैंने खुद देखा, इतनी इतनी छलांगें मारी, कहते हाय बच गए जय हो। मैं भाई तुम मेरी क्यों बेइज्जती कर रहे हो, अरबाज ने भी तो बनाई डोली की डोली। उनकी मैंने थोड़ी बेइज्जती करनी सर, उनकी उनके पापा ने बेइज्जती कर दी। अरबाज सर ने डोली की डोली बनाई ना, सलीम अंकल ने इतना डांटा, मैं क्या बोलूं। क्यों? ले उनकी 1970 की कोई रिजेक्ट की स्क्रिप्ट पे फिल्म बना देगा तो गाली तो पड़ेगी ना। सर सर आप रो रहे हो? हंस रहा हूं भाई की बेइज्जती कर रहे हो। अरे तुम क्या बेस्ती की जा रही हो, हाँ? इनके फैंस ने बुरा मान लिया तो? और 2-3 लोग भड़क जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाई गलत कर रहे हो, पता सलमान भाई से पहले किक मुझे मिली थी, मैंने रिजेक्ट कर दी। मुंह पे मना कर दिया। हाँ कहते सेल्फ स्टार्ट का जमाना, किक कौन मारे चप्पल टूट जाती है। फिर बेस्ती की जा रही हो, बुरा मान जाएंगे। देखो मैंने कहा था ना जब बड़े लोग आए तो मेरी बेइज्जती नहीं करना। हाँ तो सर ये आए ना, जब बड़े आएंगे तो नहीं करूंगी। ओह सॉरी, लेकिन एक बात कहूँ सोहेल सर, मीका जी हाय कितनी टांग खींचने फिर भी हंस रहे, इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे, इतनी भी शर्म नहीं है दोनों को। इतनी भी शर्म नहीं है कि बंदा खड़ा हो जाए, कैमरे वाले को थप्पड़ मार दे, इनको धोए आके चैनल को प्रोमो बनाने का मौका दे, हंस रहे। हाय सर इतना भी टीवी में आने का क्या शौक है, इतना भी क्या लालच भैया। लेकिन एक बात, उस कुर्सी पे वही बंदा बैठ सकता है जिसके दिल में पैसों का लालच है। पैसा लेके बेइज्जती हाय भैया, फिल्में बना के कमा लो, चलो। जोरदार और जोरदार, वाह। फिल्म वैसा नहीं लगता, ऐसा लगता सूखी हुई सुष्मिता सेन। देखिए है? कैसा लगा परफॉर्म करके करण? अच्छा लगा है? अच्छे है ना, मर्दों के रानी मुखर्जी है। आवाज भी अच्छे लगे। एंकरिंग करने का बहुत शौक है इनको टेलीविजन पे, इतना शौक है किसी के दादाजी मर रहे थे, वेंटिलेटर का पाइप निकाल लिया दादाजी को बचाने के लिए। टाइप कीजिए 5 to 5 to 5। सामने से मैसेज आया, दादाजी नो मोर। बाबा अरे भाभी का शो है, गंदी गंदी बातें करते हो शो पे, हैं भाभियों से इतनी बातें करते हो भैया, क्या नाश्ते में पेटीकोट खाते हो आप? और ये देखिए ऐसा लगता है 10 किलो आटा गूंद के रखा हुआ है किसी ने। सबकी बातें करती है ये, इनकी मम्मी जब आटा गूंदती है ना तो आटा गूंदते गूंदते हाय बेटी का मुंह बन गया, हाय फिर बेटी का मुंह बन गया। क्या बात है यार, बड़ा अजीब लगता है जब खुद गोविंदा के टुकड़ों में पलने वाला बंदा ऐसी बात बोले। शुक्रिया। सोहेल भाई जैसे आप इग्नोर कर रहे हैं, मैं भी इनको इग्नोर कर देता हूँ। मुझे पता है सोहेल सर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं चाहती हूँ आप पूरा गुस्सा मेरे पे निकाल दो, इधर आके मुझे कस के मेरे कान के नीचे एक पप्पी दे दो सर। थैंक यू करण एंड प्रीतम, जोरदार तालियां हो जाए दोनों के लिए। मुझे तो आदत है मिका पाजी, हाँ जी कुछ कह रहे हैं। मुझे तो आदत है कि लोग अक्सर मेरी अच्छाइयां और बुराइयां करते रहते हैं जी, बट सोहेल भाई तो पहली बार बैंड मार दी मेरी। शोले पिक्चर में गब्बर सिंह बोलता है संजीव कुमार को, याद है उस दिन तुम तमाशा देख रहे थे, आज मैं ही तमाशा देखूंगा। लेकिन सर अब आप भी उधर बैठोगे और हम तमाशा देखेंगे, आ जाओ।
नसीम और पूजा जो बड़े हैं बॉलीवुड के काम वाला और देवर देवा काम वाली भाई मीका पाजी पूजा मीका पाजी पूजा पूजा पाजी पूजा हेलो शिल्पा जी हेलो मीका पाजी कैसे हैं आप माई सेल्फ नसीम और मैं नौकर हूँ मैंने इंडस्ट्री के हर सक्सेसफुल राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर के घर पे काम किया है शायद इसीलिए इनका घर रह गया वो असल में जब आपकी शादी नहीं हुई थी ना तो आप सब लोग एक ही घर में रहते थे उस वक्त मैंने इनके घर पे काम किया था तो जब मैं पहली बार पूजा इनके घर गया ना तो मैं तो डर गया काइकू अरे इतनी सारी सेलिब्रिटी एक साथ में बैठी हुई थी हाँ। इधर मैंने देखा सलीम अंकल अखबार पढ़ रहे हैं दूसरी तरफ मैंने देखा अरबाज भाई वर्ल्ड फेमस बिजनेस मैगजीन के ऊपर बैठ के लूडो खेल रहे थे सलमान काय करत होता तुझे पता है वो मम्मी पापा के बहुत क्लोज हैं हाँ। वो पापा की कुर्सी के साथ टेक लगा के ना तो हाँ। गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहे थे अरे सोहेल साहब काय करत होते मैंने अंकल से पूछा मैंने कहा सोहेल भाई किधर हैं कहते बेटा उसने बहुत जरूरी ख्वाब देखना था वो सो रहा है सोहेल भाई ये पूजा है तो ये टॉप की हीरोइन होती तो अभी अभी नई नई ये नौकरों की फील्ड में इंट्रोड्यूस हुई है तो टॉप की हीरोइन होती वो पता क्या है इसका कोई भाई नहीं है इंडस्ट्री में इसलिए बेचारी काम वाली बन गई है आपसे पहले मीका पाजी से भी इसका इंट्रोड्यूस करवाया था मैंने कहा ये काम वाली है तो मीका पाजी कहते हैं ये तो अपने काम वाली है मैंने कहा पाजी ये कैसी दिखती है कहता हूँ ये दुनिया की पहली कुड़ी है जो जाते हुए भी अच्छी लगती है और आते हुए भी अच्छी लगती है आया आया इसको बोलो अगर आती जाती रहा करे अरे तुमने तो मीका साहब के यहाँ पे भी काम किया है ना हाँ हाँ मीका जी तो बड़े डाउन टू अर्थ हैं तुमने तो इनके गाने देखे हैं कितनी हॉट हॉट लड़कियाँ होती हैं उसके अंदर हाँ मुझसे कम लेकिन फिर भी ये फुटपाथ पे बैठी लड़कियों को घूरते रहते हैं इनका ये तो आंखों आंखों में लड़की को ऑटो में भी बिठा देते हैं साड़ी के फॉल सा तुझ में जिया रे कभी जोड़ दिया दे ओके नौकरों का बड़ा ख्याल करते मुझे कहते देख नसीम तो मेरे घर में नौकर है ना मैं तेरी हर चीज का ख्याल करूंगा तो कुछ भी खाएगा पहले मैं चेक करूंगा इतना प्यार करते हैं मैंने कहा मुझे खाना खाना कहते सब्जी पहले मैं चेक करूंगा मैंने कहा मैंने दूध पीना कहते पहले मैं चेक करूंगा मैंने कहा मुझे एप्पल खाना कहते पहले मैं चेक करूंगा फिर तो ये देव मानुष हुए इतने अच्छे इंसान है ये फिर ये अच्छे इंसान है एक दिन मेरे मुंह से निकल के मुझे राखी बहुत अच्छी लगती है सोहेल जी के यहाँ पे भी काम किया है ना अरे सोहेल भाई तो बहुत अच्छे इंसान है वो इनकी फिल्म आई थी ना हेलो ब्रदर हाँ। तो वो थोड़ी अच्छी नहीं गई ना तो उसके बाद थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे इनको इतना गुस्सा आ गया इनको कोई फोन के ऊपर भी हेलो बोलता ना तो उसको गुस्से में कहते तू हेलो तेरा बाप हेलो तेरी पूरी फैमिली हेलो ऐसे हाँ नहीं नहीं आदमी बड़े स्वीट है एक दिन अपने पापा को कहते कि पापा अब आप लोग आराम किया करो हम लोग हैं ना कमाने के लिए तो पापा पता क्या कहते कहते सोहेल कमाने तक की तो बात ठीक है ये साथ जो शब्द लगाता ना कि हम लोग ये कब तक लगाएगा मेरे को ऐसा लग रहा है तेरे को तो काम से निकाला ही छे जो मेरे को काम देने वाले थे ना अभी वो भी नहीं देंगे तेरे बातों से ये बात तू मत कर तुझे काम से निकालेंगे पागल हो गई है तू काम से निकालेंगे मुझे तुझे तो बाहर से भी काम मांग के देंगे ये तो सही है ये तो डर अरे पागल तुझे तो वो काम भी देंगे जो उनको खुद को नहीं आता अरे तू कॉमेडी करना सच मत बोलना माफ कर सोहेल भाई इतना गौर से आप इसको मत देखो इसका सिर्फ नाम ही पूजा है वरना ये अच्छों अच्छों का ध्यान जो है ना भगवान से हटा देती है अरे इनको नाम से नहीं फर्क ना पड़ता वरना तो राखी भी पवित्र नाम ही है ना अच्छा इधर अटैक क्या बात है जोरदार तालियां थैंक यू सर थैंक यू